रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। रात की बारिश के बाद सुबह दिखा ऐसा नजारा। इस मार्ग से आवागमन पूरी तरह बंद, मानसून की राह तक रहे छत्तीसगढ़ में फिलहाल रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस वर्ष अब तक भारी बारिश यहां नहीं देखी गई है, लेकिन 2 से 3 घंटे की बारिश भी कहीं कहीं लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। सूरजपुर जिले के भट गांव विश्रामपुर मार्ग पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। निर्माणाधीन अवधि में बनाया गया अस्थायी रपट्टा शुक्रवार की रात हुई बारिश में बह गया। इससे विश्रामपुर से भट गांव तथा भट गांव से विश्रामपुर जाने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। उक्त मार्ग से आवागमन बंद हो गया है। गौरतलब है कि सूरजपुर जिले के विश्रामपुर भट गांव मार्ग के मध्य पासंग नाला पड़ता है। इस मार्ग पर बारिश के दिनों में लोगों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने पुल का निर्माण किया जा रहा है। पुल के बनते तक राहगीरों के आवागमन के लिए इस नाले पर अस्थायी रपट्टा का निर्माण किया गया था। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे तक लोगों ने उक्त मार्ग से आना जाना किया, लेकिन जब कुछ लोग सुबह वहां पहुंचे तो नजारा कुछ और ही था। रपट्टा बह चुका था, जिससे लोगों के कदम वहीं ठिठक गए। पासंग नाला के आसपास रहने वाले गांव के लोग वहां पहुंच गए। रपट्टा के बह जाने से ग्राम रामनगर से होते हुए विश्रामपुर भट गांव मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऐसे में उपमार्ग से आवागमन करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। गौरतलब है कि शुक्रवार की देर रात 1 घंटे से भी अधिक समय तक बारिश हुई थी। इस कारण नाले में आए तेज बहाव से रपट्टा बह गया। रुक रुक कर हो रही बारिश सरगुजा संभाग में इस बार अब तक रुक रुक कर ही बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से क्षेत्र अब तक लोग महरूम हैं। ऐसे में किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। हालांकि बारिश होने के बाद वे खेतों की जुताई करने पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस बारिश की उन्हें जरूरत है वे अब तक देखने को नहीं मिली है।